नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा शकुंतला परांजपे, भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब इतिहास के सबसे गहन लेखकों में से एक की बात आती है तो शकुंतला परांजपे एक सामाजिक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रसिद्ध लेखिका थी। महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के बदले भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1991 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1938 में अपनी स्थापना से पहले परिवार नियोजन के क्षेत्र में एक व्यापक योगदानकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। शकुंतला परांजपे को 1964 और 1970 के दौरान राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। वो वर्ष 1958 से वर्ष 1964 तक महाराष्ट्र विधान परिषद की सक्रिय सदस्य रही। शकुंतला परांजपे श्री आरपी परांजपे की बेटी है। उनके पिता ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत, शिक्षाविद और प्रशासक भी थे। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सीनियर रैंगलर की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति भी थे। शकुंतला ने लंदन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा प्राप्त किया, साथ ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गणित में मास्टर डिग्री भी हासिल की। जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी तो शकुंतला परांजपे ने 1930 की शुरुआत में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाग में बड़े पैमाने पर काम किया। जिनेवा में अपने समय के बाद उन्होंने सिनेमा की ओर रुख किया और अभिनय करना शुरू कर दिया। अभिनय की बात करें तो उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं की फिल्मों में अभिनय करके लोगों का बेहद मनोरंजन किया। उनकी सबसे प्रमुख फिल्मों में एक फिल्म है दुनिया ना माने। इसका निर्देशन भारतीय फिल्म के मशहूर निर्देशक वी शांताराम ने किया था। सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों की एक श्रृंखला की लेखिका शकुंतला परांजपे अपने मराठी उपन्यासों, रेखाचित्रों और नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने विभिन्न अंग्रेजी पुस्तकों का भी प्रकाशन किया। शकुंतला परांजपे की प्रमुख अनमोल कृतियों के नाम है 1955 में गंगा मैया, 1944 में राम शास्त्री, 1941 में जवानी का रंग, 1938 में स्त्री, 1934 में पार्थ कुमार और 1934 में भेदी राजकुमार और भक्त प्रहलाद, शैलेंद्री और काली वाघन क्रमशः 1933 और 1935 में रिलीज हुई। मराठी दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच उनका सबसे पसंदीदा काम था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। शकुंतला परांजपे की पहली शादी उतनी सफल नहीं रही। उनकी शादी महज एक साल तक चली। उनकी शादी रूसी चित्रकार मिस्टर वाई स्लेप्ट जॉब से हुई। वर्ष 1938 में दंपत्ति को एक बेटी हुई जिसका नाम सही परांजपे है। उनकी बेटी के जन्म के बाद शकुंतला परांजपे ने अपने पति को तलाक दिया और उन्होंने समर्पित मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई। उनकी बेटी सई परांजपे देश की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी डायरेक्टर है। वो एक प्रशंसित पटकथा लेखक भी थी। सई परांजपे बच्चों की फिल्मों के साथ साथ कॉमेडी फिल्मों में अपने काम के लिए सबसे प्रसिद्ध है। शकुंतला परांजपे की तरह ही सई परांजपे को भी भारत सरकार से प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला। शकुंतला परांजपे
उस युग को देखते हुए अद्वितीय प्रयास करने का उत्साह था। उन्होंने अभिनय किया, लेखन की कोशिश की और जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से लगी रहीं। उनकी जैसी महिलाएं हमेशा अपने प्राथमिकताएं तय करने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। शकुंतला परांजपे ने देश विदेशी चा लोक कथा लिखी थी। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध मराठी प्रकाशनों में से एक है। उन्होंने सेंस एंड नॉनसेंस नामक एक अंग्रेजी उपन्यास भी लिखा जो 1970 के दौरान प्रकाशित हुआ था। उनकी कलात्मक प्रतिभा ने उन्हें सपनों को साकार करने और पद्म भूषण प्राप्त करने में मदद की। यह है छक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नाम से एक फिल्म आई थी। ये फिल्म उनके एक बाल साहित्य का रूपांतरण थी। ये फिल्म वर्ष 2003 में रिलीज हुई। दोस्तों, एक बार शकुंतला परांजपे के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। शकुंतला परांजपे का जन्म 17 जनवरी 1906 को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 मई 2000 को हुई। ये एक भारतीय लेखिका, अभिनेत्री और एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थी। 1958 से लेकर 1964 के दौरान महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य थी। 1964 से लेकर 1970 के दौरान राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के रूप में कार्य किया। 1991 में परिवार नियोजन के क्षेत्र में उनके अग्रणी काम के लिए उन्हें भारत गणराज्य के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शकुंतला परांजपे की बेटी का नाम सई परांजपे। शकुंतला परांजपे के पिता का नाम आरपी परांजपे था जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सीनियर रैंकिंग बनने वाले पहले भारतीय शिक्षाविद थे। दोस्तों, इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम गंगा मैया 1955, लोक शाही राम जोशी 1947, राम शास्त्री 1944, जवानी का रंग 1941, पैसा 1941, स्त्री 1938, दुनिया ना माने 1937, जीवन ज्योत 1937, कुमकुम 1937, सुल्ताना चांद बीबी 1937, बहादुर बेटी 1935, काली वागन 1935, टैपिस गर्ल 1935, भक्त प्रहलाद 1934, भेदी राजकुमार 1934, पार्थ कुमार 1934, सैरेंद्री 1933। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।